हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के न्यू ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं फर्स्ट बार अपने वीडियो बना रही हूँ, कितना भी दूर करके बहुत अच्छे से हो जा रहा है, मुझे पास पकड़ने की ऐसी जरूरत नहीं है। आज मैं कुछ जा रही थी बनाने, सोच रही थी आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोग पूरा देखना। मैं यहाँ पे बनाती थी पनीर लाके ना दुकान से, तो यहाँ पे मैं जहाँ रहती हूँ ना, यहाँ पे तबेला, गाय, भैंस ये सब कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पाउडर का दूध का दूध दही जो भी बनता है सब वैसे बनता है। तो हम लोग पैकेट का ही पनीर बनाते थे। मैं सोच रही थी कि जब पैकेट का दूध मिलता है तो इसका पनीर थोड़ा फाड़ के देखते हैं कैसा बनता है, क्या होता है। तो मैं सोची आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, जो लोग पसंद आएगा जिसको कि हाँ ऐसे बना सकते हैं घर पे। ये दूध है नंदनी, इसी के जा रहे बनाने, आप पूरा वीडियो में देखना। इधर देखो संडे है, आज स्कूल भी नहीं गए टीवी देखने के लिए। एक इधर बैठा है लंगूर, उधर मेरा वाला लंगूर है। ये बोला ना टीवी खोलने के लिए, टीवी मेरे चालू हो जाती है ना, मैं जब वीडियो बनाती तो उसमें इसका आवाज़ आने से पता नहीं कि मेरा हर वीडियो में कॉपीराइट आ जाता है। मैं फिर टीवी बंद करूँ, तो वीडियो बना लेती हूँ उसके बाद चालू करूँ। ये चिल्ला रहा, मान नहीं रहा है। चलते हैं किचन में, दो पैकेट लेके आए हैं, इसको देखते हैं 200 ग्राम तक तो हो ही जाएगा। इधर इसका मेरा बनाने का मकसद है कि इसका बना के फाल के बना देंगे, तो इधर जो देखने वाले मेरे ब्लॉग में वो लोगों को पता चलेगा कि हाँ इससे भी बन सकता है, खरीदने से अच्छा है ये बनेगा। वो पता नहीं कब का लोग फाल के बनाए रखते हैं अच्छे से, नहीं घर पे जो भी चीज़ बना रहता है ना उसका थोड़ा अच्छा ही रहता है, चीज़ ताज़ा बनता है। घर पे हम लोग गाय भैंस का दूध से अच्छा प्योर पनीर फाड़ के बनाते हैं। अब यहाँ पे दूध पकना चालू हो गया, इसको फाड़ने के लिए हम लोग तो गांव में फाड़ने के लिए ना इसको पानी रखते थे हलवाई के पास ला के बाटल वगैरह में रखते थे फ्रिज में, नहीं तो कुछ लोग फिटकरी से फाड़ते, कुछ लोग नींबू से फाड़ते। मेरे पास फिटकरी है पर नींबू से फाड़ के देख रहे हैं इसको। अब जा रहे लेने नींबू, उसे से फाड़ेंगे। मेरी फ्रिज एकदम खाली, कुछ मेरे फ्रिज में नहीं है, आधा लेंगे क्योंकि थोड़ा ही थोड़ी नींबू में हो जाएगा, आधा कटा हुआ था। अब इसका थोड़ा ही एक चम्मच काफ़ी है, इतना हुआ इसका। देखते हैं इतना हो जाता कि फिर दूसरा डालना पड़ता है। अब इधर देख सकते हैं प्रॉपर मेरा पनीर फट के रेडी हो गया, और ये पानी अलग हो गया, इसका जो मटेरियल है इधर हो गया। अब इसका फाड़ने का वो नहीं है, इसको बना के सब्जी में कैसा हो रहा है वो मैं देखना चाहती हूँ। तो पूरा वीडियो शाम तक पोस्ट करूँ, पूरा बना के इसका सब्जी भी बना के तब आप लोग को दिखाऊँगी। तब घर पे पाउडर का भी दूध का जो मिला इसका भी पनीर अच्छे से हो
को सकते गैस को बंद कर। अब इसको ना मेरे पास कॉटन का कपड़ा से इसको छान के इकट्ठा करेंगे। जो मेरे पास एक दुपट्टा था कॉटन का, उसको पास दे देंगे। अच्छे से इसका पानी पूरा भर जाए। अब इस पे भगोने पे लगा के इसको मैं पूरा डालूंगी इसे। इसका पानी जो है इसके नीचे पानी चला जाएगा। अभी देखो ये पानी, क्योंकि नीचे पूरा पानी मेरे भगोने में भर गया, इसलिए ये ऊपर ही तैर रहा है। अब इतना हुआ रेडी। अभी सेट होता है कि ऐसा ही रहेगा भर भरा, इसको ये देखना है। अभी गर्म है, इसको मैं निकाल नहीं पाऊंगी। थोड़ा थोड़ा करके हाथ से इसे दबा दबा के ना सब इसका पानी निकालना होगा, इसको पूरा पानी इसमें से। इसको मैं दबा दबा के इसका पूरा पानी निकाल दी हूँ। थोड़ा इतना दबाने पर ना थोड़ा पानी ही निकल रहा है। इतना ही पनीर का ना यहाँ पे 100 रुपये लेते हैं, पूरा फुल 100 रुपये। ये मेरा रेडी हो गया 50 रुपये में, पूरा आधा पैसा बचा और प्योर अच्छी घर की पनीर बन के। वैसे मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा कार भी बन गया इसका। इसको खोल के देखते हैं। ऐसा हुआ है सेट। अभी गरम है। अच्छा सेट हुआ है। गाइज आप लोग पूरा वीडियो देखिए ना, उसमें मैं दूध से पनीर फाड़ने का कोई ये इतना बड़ा वो नहीं है। मैं पैकेट के दूध का फाड़ने का आप लोग को दिखा रही थी। मेरा हो के रेडी हो गया बन के वो, लेकिन अभी सब्जी नहीं बनाई क्योंकि सब्जी बनाने का वीडियो इसमें डालने का बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ कि पाउडर का दूध का भी जो नंदनी का है, इससे भी पनीर बन के अच्छे से सेट हो सकती है। बनाने का मतलब था अच्छे से सेट हो गई हूँ, और मैं इसका सब्जी का दूसरे वीडियो में बनाऊंगी और वो वीडियो कल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। पूरा वीडियो देखना प्लीज़। और जो नए हैं मेरा जिन नए हैं मेरे वीडियो को जरूर पूरा वॉच करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।